दोस्तों जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं राजस्थान में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में उन्हीं में से एक और नाम सामने निकल के आता है जिसका नाम है तांतिया यूनिवर्सिटी या फिर टांटिया यूनिवर्सिटी, जो भी आप इसको कहना चाहें, जैसे प्रोनंस करें वो डिपेंड आप पर करता है। इस यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल हैं, कौन कौन से कोर्सेज चलाती हैं, कब UGC का अप्रूवल आया और भी कई सारे क्वेश्चंस सवाल हैं जो लगातार हमसे पूछे गए, हमारी पिछली वीडियोस में कमेंट किया आप लोगों ने, व्हाट्सएप किया हमें, ऐसे कई सारी क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स के बीच में। आज काफ़ी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि इस यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, अप्रूवल्स हैं, UGC का अप्रूवल कब आया और भी कई सारी चीज़ें। ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों तांतिया यूनिवर्सिटी में अगर आपने भी एडमिशन लिया है या फिर आप वहाँ रहकर पढ़ रहे हैं या फिर कोई कोर्स आप अगर देख रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से करने के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हो सकता है उसमें हम आपकी कुछ मदद कर सकें और आपके सभी सवालों का जवाब देने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तांतिया यूनिवर्सिटी जो कि श्री गंगानगर में स्थित है ये यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के पास हालांकि वैसे तो कई अप्रूवल्स हैं, यूनिवर्सिटी भी 2013 से यूनिवर्सिटी चल रही है। यूनिवर्सिटी जो कि श्रीगंगानगर में स्थित है यूनिवर्सिटी, ये हालांकि एयरपोर्ट से काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, काफ़ी दूर है। आप ट्रेन से जाओगे तो ज़्यादा इतना डिस्टेंस नहीं है, जहाँ ट्रेन आपको रोकेगी वहाँ से ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे अगर आप जाना चाहते हो किसी ऑटो या किसी भी चीज़ से। अब दोस्तों बात करते हैं तांतिया यूनिवर्सिटी आखिरकार कोर्स कराती कौन कौन सी है। दोस्तों आप अगर नए हैं, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, मैं आपको बताना चाहूंगा हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो हम उस पर वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आपके हर तरह के सवालों के हम जवाब दे सकें। इन सब जानकारी को पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई भी किसी भी तरह की एजुकेशन वीडियो आपसे मिस ना हो। तांतिया यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या से कोर्स हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज हैं यूनिवर्सिटी मतलब जो रन करती है, पहले आप उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मतलब आयुर्वेदा की यूनिवर्सिटी के पास कुछ कोर्सेज हैं। अगर आयुर्वेदा रन करती है तो मतलब यूनिवर्सिटी के पास आयुष का भी अप्रूवल जरूर होगा। साथ में फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी, आयुष का अप्रूवल है या नहीं वो तो दोस्तों हम जब एक डिटेल वीडियो बनाएंगे सभी अप्रूवल्स को लेकर तो उसमें जरूर क्लियर करेंगे, बट फिलहाल बताते हैं कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी रन करती है। फैकल्टी ऑफ नर्सिंग मतलब कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल जरूर होना चाहिए। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मतलब कि BEd यूनिवर्सिटी करवा सकती है, मतलब कि यूनिवर्सिटी के पास जो एजुकेशन से NCT से रिलेटेड जो अप्रूवल होता है वो जरूर होना चाहिए। फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसके लिए भी NCT की ही जरूरत है। फैकल्टी ऑफ लॉ मतलब कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर आयकर आप बोल सकते हैं, इसमें आयकर का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी मतलब कि फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया PCI का अप्रूवल होता है, यूनिवर्सिटी ये कोर्स भी करवाती है। फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ साइंस, मतलब कि यूनिवर्सिटी के पास जो ऊपर अच्छे जो कोर्सेज मैंने आपको बताए वो तो अच्छे काउंसिल कोर्सेज हैं, उन सभी के अप्रूवल्स के बारे में डिटेल आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इंडिविजुअल वीडियो हम लेकर आएंगे जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। फिर चाहे PCI हो, BCI हो या फिर अपने नर्सिंग काउंसिल हो या आयुष काउंसिल हो या फिर MCI की बात अगर हम करें, किसी पर भी आप इंडिविजुअल वीडियो चाहते हैं हम उस पर आपको जरूर बताएंगे। बट हम बात करते हैं अब UGC की रैंक पर, मतलब कि UGC की दोस्तों कोई रैंक नहीं होती, रैंक की ऐसी कोई नहीं है कि किस रैंक पर यूनिवर्सिटी यहाँ पर डाली गई UGC में, मतलब ये होता है कि किस अल्फाबेटिकली उसका नंबर आता है। 49th नंबर पर मतलब 49वें नंबर पर आप अगर जाएंगे तो तांतिया यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स डली हुई हैं। 2013 से यूनिवर्सिटी रन कर रही है, 2013 से यूनिवर्सिटी मतलब कि एडमिशंस ले रही है, बैच शुरू हुआ यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी के VC साहब की अगर हम बात करें तो ये हैं प्रोफेसर MM सक्सेना, ये यूनिवर्सिटी के VC वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के। रजिस्ट्रार साहब की बात करें तो है डॉक्टर अश्विन गोगिया जी।
अश्विन गोगिया जी काफ़ी टाइम से यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, क्योंकि पहले भी हमने लगभग 3-4 साल पहले जब देखा था तो भी इनमें इस यूनिवर्सिटी में अश्विन गोगिया जी का नाम था इसके ऊपर, इसीलिए हम आपको बता पा रहे हैं कि काफ़ी टाइम से हम इस यूनिवर्सिटी की स्टडी भी कर रहे थे। हालांकि तांतिया यूनिवर्सिटी वेल नोन है पूरे राजस्थान है, बट फिर भी काफ़ी इंटीरियर मतलब काफ़ी अंदर की तरफ होने की वजह से ही शायद पूरे स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पाते हैं। पर फिर भी अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से तो आप हमें ज़रूर बताना, और जो भी कोई किसी भी तरह की डिटेल्स आप चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो इस यूनिवर्सिटी का भी हम बहुत जल्दी इंटरव्यू करने की सोच रहे हैं, करेंगे, हम मेल कर चुके हैं इस यूनिवर्सिटी को कि हमें अपने यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर या रिव्यू करने का हमें टाइम दिया जाए ताकि हम वहाँ आ सकें और स्टूडेंट तक पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी कोई सटीक इन्फॉर्मेशन है इस यूनिवर्सिटी को लेकर स्टूडेंट्स तक हम सारी वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। दोस्तों कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट करना या व्हाट्सएप करना, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे और बहुत जल्दी इस यूनिवर्सिटी की डिटेल वीडियो लेकर आएंगे और डिटेल जो अप्रूवल्स हैं यूनिवर्सिटी के अप्रूवल बाई अप्रूवल भी आपको बहुत कुछ बताएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।